नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। ड्राइवर संघ का ज्ञापन, हिट एंड रन कानून के विरोध में समस्त वाहन चालक कल्याण संघ मुंगेली के द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा वाहन चालकों के ऊपर किस प्रकार से हिट एंड रन का कानून बनाया गया है, जिसमें वाहन चालक को 10 साल की सजा एवं 5 लाख जुर्माने की राशि धारण की गई है, जिसे केंद्र सरकार वापस ले। उन्होंने ये भी बताया कि वाहन चालक रोज कमाने खाने की जिंदगी जीते हैं, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर रहती है। इसके बावजूद भी अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा इस तरीके का कानून लाया जाएगा तो समस्त वाहन चालक कल्याण संघ के द्वारा हड़ताल एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने भी बताया कि 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक अगर केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तो वाहन चालक चाबी वाहन मालिक को सौंप कर वाहन चलाना बंद कर देंगे। मुंगेली से नील कमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मुद्दाओं को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया, हिट एंड रन जो अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं केंद्र सरकार के, उसने ड्राइवरों के ऊपर ये काला कानून लागू किया है, इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं और यहां पर हमारा ज्ञापन तहसीलदार महोदय लिए हैं और रिसीविंग दिए हैं। और हमारा यह है कि हमारा ये हिट एंड रन वाला कानून में जो 10 साल का सज़ा है, 7 लाख जुर्माना है, ड्राइवर कहाँ से पटा पाएंगे? मुश्किल से उनका 4,000, 5,000, 10,000 रुपये तनख्वाह रहता है और इसमें इस हिसाब से कहाँ से उन लोग भरपाई कर पाएंगे। तो आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, कल से उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, उसका फिर अमित शाह जवाबदार होंगे। केंद्र सरकार क्या है मांग? हमारे ऊपर जो कानून लागू है वो लागू नहीं होना चाहिए, हटा दिया जाए। ड्राइवर संघ ने आज ज्ञापन सौंपा, क्या समस्त वाहन चालक कल्याण संघ जिला मुंगेली की ओर से करीब 150 से 200 लोगों ने एक रैली करके आज ज्ञापन यहां कलेक्ट्रेट के सामने सौंपा है, जिसमें केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा वाहन चालकों के ऊपर लगाए गए सजा याफ्ता जो कानून लागू किया गया है, 10 साल की सजा एवं 5 लाख का भारी जुर्माना ऐसा इन्होंने विषय में दिया है, तो उसको वापस करने के संबंध में है। इसको तत्काल ही कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन की ओर भेजा जाएगा।